Hi, I'm Akanksha. This video lacks an intro. But आपको already thumbnail से पता है कि मैं Malaysia जा रही हूँ. ये trip ना काफ़ी last minute और impromptu है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ outfits की shopping नहीं कर पाई. पर जो भी है हम काम चला लेंगे. मेरा सारा सामान pack कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा भसर मची हुई है मेरे रूम में. और इस बार ना मैं एक बड़ा बैग भी लेके जा रही हूँ क्योंकि आई एंटिसिपेट ऑन बाइंग सम लग्जरी बैग्स इफ आई कैन. वन इटर्निटी लेटर अभी मैं पैक करने वाली हूँ अपना ब्यूटी बैग. फर्स्टली मुझे भर भर के सनस्क्रीन चाहिए फॉर द विके. सो मैं तीन सनस्क्रीन लेके जाने वाली हूँ. द फर्स्ट वन इज दिस कॉन्शियस केमिस्ट हारो हारो वंडर. And the third one is from BOJ, Beauty of Joseon Moisturizer. This is from Bioderma. Face washers that I'm carrying, this is from Simple. This is from Bioderma. The Benzac AC. And this is the Cosrx one. A hyaluronic acid serum for my mom. Niacinamide serum for my mom. So this one is from Arabian Aroma. It's Carolina Herrera's Good Girl. Nebras Plum Hawaiian Rumba, and this is a Plum Trippin Mimosa. So these are the perfumes that I am carrying. Two eyebrow pencils, a kajal eyeliner, two lipsticks and one lip pencil. Banana powder from K Beauty. Inside Cosmetics ka concealer palette. Let's pack all of this now. Okay, it is fitting and I can't be happier. The next day. I'm ready for the airport. We are flying from Delhi to Kuala Lumpur by Air India. अच्छा आजकल ना check-in counters एक घंटे पहले ही बंद हो जाते हैं departure के. तो हम लगभग 5 घंटे पहले airport पहुंच गए थे. Check-in किया, security check भी हो गया, immigration भी हो गया and then हम चले गए lounge में for some refreshment and to have lunch. पर हमारे पास काफ़ी कम वक्त बचा हुआ था. इवन तो हम 5 घंटे पहले पहुंचे थे फिर भी we had to rush to have our lunch and to board. क्योंकि आई थिंक बोर्डिंग ऑलरेडी जल्दी शुरू हो गई थी. दिल्ली की लाउंज मुझे काफ़ी पसंद है. यहाँ का खाना भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होता है अनलाइक कोलकाता. हमने फटाफट अपना लंच खत्म किया देन वी रश टू बोर्ड आवर फ्लाइट. वी आर लेट यू गाइस. लुक व्हाट आई स्पॉटेड. वॉकिंग पास्ट द ड्यूटी फ्री विदाउट इवन हैविंग अ ग्लैंस इज पेन. इज प्योर पेन. After so much of walking, rushing, running and being breathless, they made us wait in the aero bridge दिल्ली की गर्मी में कुछ 15-20 मिनट के लिए. क्यों काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और इतनी गर्मी में हाल बेहाल हो गया था मेरा. उफ, we are finally here. I got to my seat and we took off. Yay! ऐसा ना पहली बार हो रहा है हमारे साथ जहाँ हमें kind of we had to run to board. Soon after हमें welcome drinks और crispy corns दिए गए. आप alcoholic या non-alcoholic drinks में से choose कर सकते हो but I opted for the orange juice. और corns भी ठीक ठाक ही थे. इतने में ही ना मुझे और मम्मी को काफ़ी ठंड लग गई थी airplane में तो हमने blankets ओढ़ लिए which the crew was kind enough to provide us. और फिर आया time lunch का. I opted for the veg meal which was good. मैंने non-veg meal भी try किया भाई से and it was also good. लगभग रात के कुछ 9 बजे हम पहुँचे कुआला लंपुर. We are in Malaysia you guys. सबसे पहले हमने इमिग्रेशन के फॉर्मेलिटीज़ पूरे किए और फिर अपना लगेज क्लेम करने के बाद वी वेंट स्ट्रेट टू द सेलकॉम स्टोर. हमने ऑनलाइन ऑलरेडी बुकिंग और पेमेंट कर लिया था फॉर आर मलेशियन सिम कार्ड तो अभी बस हमें कलेक्ट ही करना था. सिम कार्ड्स मिलते ही वी बुक आर कैब थ्रू ग्रैब टू रीच आर होटल. कैब पिकअप पॉइंट पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना हमें अराउंड 20 मिनट्स लग गए टू गेट टू आर होटल. बट देन वी फाइनली रीच द इबिस कुआलालंपुर सिटी सेंटर एंड दिस इज़ गोना बी आर स्टे फॉर द नेक्स्ट 5 डेज. इट्स अ 4-स्टार होटल चेन ओन्ड बाय फ्रेंच ब्रांड एकॉर्ड. हमारा चेक इन हो रहा है और ये होटल की लॉबी है.
यहाँ होटल में दिवाली के लिए सजाया हुआ है। मलेशिया में सिग्निफिकेंट इंडियन पॉपुलेशन है, अराउंड 7%। तो यहाँ दिवाली के लिए भी ना 2 दिन की गवर्नमेंट हॉलीडे भी होती है। वाओ। और हाँ, यहाँ 3 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, मले, चाइनीज और तमिल। यहाँ ना मम्मा थोड़ी डिसअपॉइंट हो रही है कि हमें कोई स्टाफ रूम तक छोड़ने क्यों नहीं आया। चलो अभी मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। दिस इज माई रूम 1529। हेलो। कल रात दिल्ली वाली जो होटल थी ना हमारी, काफी वाहियात थी, तो उसके कंपैरिजन में दिस इज फार 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 बेटर। हमारे पास यहाँ पे फोन है, नोटपैड है, अ पेन, द रिमोट, बेड लैम्प, द डेस्क, सैशेज एंड वाटर एंड स्टफ, हियर्स अ लिटिल शेल्फ, वी हैव अ सेफ, हमारे पास एक मिनी फ्रिज भी है बाय द वे, गॉट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, वार्डरोब एरिया एज यू कैन सी, दिस इज एन आयरनिंग बोर्ड, आई लव दिस थिंग एट द बैकग्राउंड, इट्स सो लवली। लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव बाथरूम में, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इन अ होटल रूम। वी हैव 2 ग्लासेस, डेंटल किट, शावर कैप, sanitary bag, vanity kit, a soap. This is a napkin dispenser and we have a glass ka shower. I love it. It's lovely, you guys. Can't wait to take a shower. The vibe of this room is quite good, okay, like quite good. I am really finding it very homely and very warm and cozy, and I just can't wait to just dive right into the beds. कल रात को मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई। टुडे इज टेक्निकली द फर्स्ट डे यहाँ कुआलालंपुर में, तो मैं अभी फ्रेश अप होके बस रेडी हो जाती हूँ। इट इज 1:30ish, सो वी आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज पार्ट ऑफ द डे, वी आर लैगिंग बिहाइंड, सो वी नीड टू कवर इट अप। आई एम गेटिंग रेडी फॉर द डे, I'm applying my sunscreen, the BOJ Relief Sun, just lots and lots and lots of sunscreen. By the way, here's my OOTD. At first, we'll grab some lunch today at this place we found out called 1947 Namaste India. The place looked absolutely stunning and picturesque. It's pink. I really love it. What is this name? Everything socks here.